द पब्लिश देखने वाले सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी पूरे देश भर में आज मनाई जा रही है, और पूरे देश के साथ साथ जम्मू में भी रामनवमी की काफ़ी ज़्यादा धूम जो है वो देखी जा रही है। और जो श्रद्धालु है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए माँ बावे वाली मंदिर में यहाँ पर पहुँचे हैं। और इन नवरात्रों की बात करो तो जम्मू में काफ़ी ज़्यादा रश देखा जाता है, क्योंकि जो माँ वैष्णो देवी के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जम्मू का रुख करते हैं, और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु जम्मू का रुख करते हैं। और इस समय मैं माँ बावे वाली मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं वो कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर मंदिर में पहुँचे हैं। और 9 दिन दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, और अंतिम नवरात्र में श्रद्धालु अपना व्रत जो है वो तोड़ते हैं। और कल दशहरा जो है वो पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी दशहरे को माना जाता है, लेकिन आज नवरात्र की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो है वो इस पर्व को काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। हालांकि अगर कोविड से जुड़ी SOPs या फिर गाइडलाइंस की बात करूँ तो उसका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो जो लोग माता रानी के दर्शन करने यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उन्हें हम घर बैठे जो है वो दर्शन करवाएंगे। अगर आप माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मचेल मेला भाई साहब जी, मचेल मेला मचेल बिजली झिल मिली, मचेल बिजली झिल मिली माता जी। माय नेम इज प्रगुण छिपगोत्रा। मैंने आज लंगर लगाया अपने चाचू के नाम से अमित छिपगोत्रा। तो क्या प्रार्थना की है माता रानी से? मैंने प्रार्थना की है कि मैं अपने चाचू की तरह बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हमारा जम्मू बहुत आगे तक जाए। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। थैंक यू।
पाने वाली माता के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी आज के दिन के महत्व के बारे में जानेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आज रामनवमी है, आज बड़ी धूमधाम से पूरा जम्मू जो है वो आज इस त्यौहार को मना रहा है। इस जो रामनवमी है क्या इसका महत्वता क्या है? देखिए महानवमी जो है वो आज ही के दिन जो है नवरात्र पारायण किया जाता है और माँ भगवती सिद्धिदात्री का भी आशीर्वाद प्रदान किया जाता है और जो भक्त 9 दिन सेवा अर्चना करते हैं उन भक्तों को माँ भगवती आज ही के दिन सिद्धि प्रदान करती है, आज ही के दिन अभय प्रदान करती है और उन भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण करती है। आप देख रहे हैं कि कतारों में जो है श्रद्धालुगण माता के दरबार में आ रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं और पीछे जो आज महानवमी के अवसर पर पूर्णाहुति का जो महोत्सव सब लोग जो है अपना अपना योगदान देकर पूर्णाहुति कर रहे हैं और मैं सभी श्रद्धालुओं को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ बावे वाली माता का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। माँ भगवती आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का कि जिन्होंने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए माँ भगवती के दर्शन करने के लिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा और अनुशासन बनाकर रखा, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आप आए। और साथ ही मैं यहाँ के स्टाफ पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक होकर जो है आप सब भक्तों के साथ जुड़कर जो है आप लोगों का जो दर्शन करने में सहयोग प्रदान किया यहाँ के सेवादार। और मैं धन्यवाद करता हूँ महंत बिट्टा जी का जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को इस पूरे महोत्सव को जो है सुचारू रूप से चलाया। जय माता की। मचेल मेला भाई साहब जी मचेल मेला मचेल बिजली झिलमिली मचेल बिजली झिलमिली। जय माता की। मैं महंत बिट्टा जी बाव फोर्ट से बोल रहा हूँ। आज लास्ट रहता था, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी ठीक था। देखो जैसे पूरे नवरात्र हमने पूरा SOP पर ही चले हैं, जैसे हमको गवर्नमेंट की तरफ से SOP आई थी उसी के मुताबिक हमने काम किया है। उसमें तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी, एक सोशल डिस्टेंस, एक सैनिटाइजेशन और मास्क का। देखो दो में तो हम बिल्कुल 100% कामयाब रहे, मास्क में और सैनिटाइजेशन में, पर सोशल डिस्टेंस में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आई है क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। फिर भी हमने लोगों से पूरे नवरात्र अपील करते रहे कि कम से कम संख्या में आएँ और सोशल डिस्टेंस जरूर बना के रखें। चलो अभी तो नवरात्र हो गए ठीक ठाक, माता की कृपा है, माता ने आगे भी हमारे जम्मू की रक्षा की है, आगे भी हमें कोरोना से बचाएंगे, पर अगले साल तो हम इस पर ज़्यादा अमल करेंगे सोशल डिस्टेंस पर, क्योंकि वो उसमें थोड़ा हम काम इतना अच्छा नहीं हुआ, बाकी दो पर बिल्कुल अच्छे रहे हम। मंदिर कमेटी द्वारा क्या क्या प्रबंध किए गए थे? देखो यहाँ हर चीज़ का प्रबंध था, जैसे ही आप किले के पास आएंगे तो आपको थर्मल स्क्रीनिंग थी, फिर आगे डिस्पेंसर लगे हुए थे, मास्क रखे थे, जिसने मास्क नहीं डाला है मंदिर कमेटी की तरफ से 10,000 मास्क हमने यहाँ परचेज करके हुए रखे थे, बाकी हमारा अपना मंदिर की डिस्पेंसरी थी, डॉक्टर बैठे थे, हर किस्म की दवाई थी, फर्स्ट एड वगैरह सब थी हमारे पास, एम्बुलेंस मंदिर की कमेटी की बाहर खड़ी थी, बाकी खाने पीने का प्रबंध तो था पर वो पैक सिस्टम में ही हमने लोगों को प्रोवाइड किया। तो साफ तौर से आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु तो मंदिरों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, कोविड से जुड़ी जितनी भी SOPs हैं उसको यहाँ पर फॉलो भी करवाया जा रहा है। और लंगर व्यवस्था की बात करें तो पैकिंग में लंगर जो है वो श्रद्धालुओं को मुहैया करवाया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो बाहरी राज्यों से भी जो है वो आज जम्मू में यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन SOPs की अगर मैं बात करूँ तो SOPs के तमाम जितने भी जो कोरोना से जुड़े जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, उसका यहाँ पर खास तौर पर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो है वो मंदिरों में जाना जो है
वो लगातार जारी है और आज रामनवमी है। और एक बार फिर द पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से देश भर के लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें द पब्लिक के साथ, धन्यवाद।